हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में तो स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा सेक हिंदी, ठीक है। सेक हिंदी इंडियन हिस्ट्री कल्चरल एंड डाइवर्सिटी जिसका है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर फोर पॉलिटिकल साइंस नहीं, सेक का है, ठीक है। तो ये सेक है और जिसका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। तो आप सभी ने डिमांड किया था कि सर 29 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, और 29 तारीख को परीक्षा है, उसमें से हमारा सेक हिंदी है, तो इस पर कुछ वीडियो बनाइए, ठीक है। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होगा जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें से पिछले साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तो उसको बताऊंगा और क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहता है, क्या सभी टिकॉट करने वाले होते हैं और किस प्रकार का होते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्योंकि सभी लोगों को एग्जाम देने से पहले उत्सुक होता है कि क्वेश्चन जरा सा देख लेते कि कैसा होता है, तो वहाँ पर जाकर के लिखना बहुत ज़्यादा आसानी होता है, ठीक है। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि अगर इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ कैसे लेंगे और कहाँ पे जाकर के लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका पहला है यानी सिख हिंदी का, ठीक है, कि मोहन जोदारो के स्थानीय नाम क्या है। तो मोहन जोदारो के स्थानीय नाम क्या है, तो इसका आप लोग देख सकते हैं मुर्दों का टीला। मोहन जोदारो के स्थानीय नाम का जो था स्थानीय नाम उसका क्या था, मुर्दों का टीला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, मैं एक बार पढ़ते हुए चलूंगा। नेक्स्ट बोल रहा है अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं, तो इसका है सा नंबर ऑप्शन ब्राही में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, आप लोग ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट है विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य का नाम किसने अपनाया था, तो ये मुझे जो अपनाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनाया हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर कब आक्रमण किया गया, तो ये जो आक्रमण किया गया था वो किया गया था 712 ईस्वी में, कितना 712 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक का नाम बताएं, तो इसका जो विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक का नाम जो था वो था राजा कृष्णदेवराय, ठीक है। चलते हैं सेवंथ की ओर, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस आंसर आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, तो वो जो सुझाने वाला था वो कैप्टन मोहम्मद सीता, ठीक है। चलते हैं नाइन्थ नंबर, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो ये है ब्राही, क्या है ब्राही। उसका है दसवां नंबर, ख्रोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग ख्रोष्टी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है, तो ये दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता है, हम लोग बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं ना, लेकिन ये दाहिने से बाएं और उल्टा लिखा जाता था, ठीक है। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारत में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी, तो ये जो हमारा किया था वो लॉर्ड मैकॉले ने किया था, किसने किया था, लॉर्ड मैकॉले ने किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संख्य दर्शन के संस्थापक का नाम बताएं, तो इसका संस्थापक का नाम क्या था, तो कपिल था, क्या था, कपिल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, नागार्जुन का सिद्धांत क्या था, नागार्जुन का सिद्धांत क्या था, तो जो नागार्जुन का सिद्धांत था वो था प्रज्ञा पारिमिता सूत्र, क्या था, प्रज्ञा पारिमिता सूत्र था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चिराग ये दिल्ली किन्हें कहा जाता है, चिराग ये दिल्ली किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निजामुद्दीन ओलिया का, किसे कहा जाता है, निजामुद्दीन ओलिया का कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुरसागर किसने लिखा है, सुरसागर किसने लिखा है, तो ये सूरदास ने लिखा है, नाम से ही पता चल रहा है सुरसागर किसने लिखा, तो सूरदास ने लिखा है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं रहने वाले सूफियों का वर्ग क्या कहलाता था, तो जो कहलाता था वो कहलाता था बेसरा, क्या कहलाता था, बेसरा। नेक्स्ट, अकबर ने किस नवीन धर्म को प्रवर्ती किया था, तो वो जो किया था वो दीन ए एलाई ने किया था, किसने किया था, दीन ए एलाई ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। इसका पीडीएफ लेने के लिए मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि कहाँ से लेना है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है, तो ये जो जाता है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, नव युवतियों को फिर चित्रकला के द्वारा सलाह दी जाती थी, तो ये कोहबर चित्रकला, कौन सा कला दिया जाता था, कोहबर चित्रकला। 21 नंबर क्वेश्चन, चोल कलाकारों ने वृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर अधिकांश किस देवता के चित्र उत्कीर्ण किए हैं, तो जो अधिकांश किए थे वो शिव जी के किए थे, किसका, शिव जी का। नेक्स्ट है भारत नाचम, ठीक है, भारत नाचम है ना, क्या ये भारत नाचम मुख्यतः किस राज्य का नृत्य है, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, भारत नाचम मुख्यतः किस राज्य का नृत्य है, तो ये हमारा जो नृत्य है वो सा है यानी कि केरल का है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि भारत नाचम मुख्यतः किस राज्य का नृत्य है, तो वो केरल का नृत्य है। नेक्स्ट 23 नंबर, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया,
तो औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में रंगमंच की समृद्धि परंपरा कौन सी रही है? तो वो कौन सा रही है? तो नुक्कड़ नाटक का रहा। किसने रहा था? नुक्कड़ नाटक ने रहा था। तो ये 24 क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, ठीक है। लेकिन इतना जानो कि आज के अंदर मैं सारा इसका कंप्लीट करा दूंगा, सहित इसका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सहित, और इसका जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।